ये भवानी सिंह राजावत और प्रहलाद गुंजल के बाद भरतपुर के पूर्व सांसद बहादुर कोहली ने वसुंधरा राजे के पक्ष में मोर्चा खोल दिया है। वसुंधरा के हाथ में नेतृत्व होता तो अब तक गिर गई होती सरकार, ये कहा जा रहा है। राजस्थान में भाजपा ही वसुंधरा और वसुंधरा ही भाजपा है। उनकी लोकप्रियता जैसा बीजेपी नेता प्रदेश बीजेपी में कोई और नहीं है। वर्तमान में मौजूद भाजपा के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए उन्होंने। प्रदेश बीजेपी आक्रामक ढंग से विपक्ष की भूमिका में नहीं है। मौजूद जो स्थितियां हैं या मौजूदा जो स्थितियां हैं उसमें नेतृत्व खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में लगा है। मीडिया संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जाहिर है कि जब इस तरीके की आवाजें मुखर होने लगे तो समझिए या तो आप चुनावों के दरमियान हैं या चुनावों में जा रहे हैं। कुछ वैसा ही नजारा दिखाई पड़ रहा है दोनों ही पार्टियों में। अगर देखें कांग्रेस में भी वही हाल है, बीजेपी में भी वही हाल, लेकिन वसुंधरा और सतीश पूनिया की क्या कहें कि ये लड़ाई है जो खुल रही है बार बार। देखिए आशीष, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह की बयानबाजी लगातार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच में नेताओं की निकल के आ रही है, वो निश्चित रूप से चाहे सचिन पायलट की बात करें, गहलोत की बात करें मुख्यमंत्री जी की, या फिर वसुंधरा राजे की बात करें, तमाम सतीश पूनिया की बात करें, उनके जो धड़े के नेता है वो अपने अपने नेताओं के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब जो ताजा बयान है वो भरतपुर के पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली का निकलकर सामने आया है, जो दो बार सांसद रहे, विधायक रहे, लगातार बीजेपी से जुड़े रहे और वसुंधरा राजे खेमे के माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उनका कहना है कि भाजपा राजस्थान में भाजपा ही वसुंधरा है, वसुंधरा ही भाजपा है। उनका कहना है कि वसुंधरा राजे की लोकप्रियता के समकक्ष कोई भी नेता प्रदेश भाजपा में अभी मौजूद नहीं है। वसुंधरा राजे ने दो बार प्रदेश की सत्ता को, प्रदेश में भाजपा की सत्ता लाई, संगठन की भी उसमें अहम भूमिका रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उनका कहना है कि अगर वसुंधरा राजे के हाथ में नेतृत्व होता तो अब तक अशोक गहलोत सरकार गिर गई होती। आपको आशीष, हम ये बता दें कि जब वसुंधरा राजे ने कुछ दिन पहले भरतपुर में अपना जन्मदिन मनाया था तो काफी संख्या में पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, तमाम वो लोग जिन्होंने एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन, हालांकि वसुंधरा राजे ने था कि ये जन समर्थन है, लेकिन तमाम लोग, वो लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो उसमें जुटे थे। और निश्चित रूप से उस टाइम पार्टी ने भी उनको इस बात के संकेत दिए थे कि वो इस तरह की कोई गतिविधि ना करें, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो जन्मदिन मना रही है, धर्म धार्मिक यात्रा कर रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार उनके फेवर में जो नेता है वो लामबंद हो रहे हैं पूरे राजस्थान में, तो निश्चित रूप से ये बात देखनी होगी कि वसुंधरा राजे और जो सतीश पूनिया के बीच जो खाई है वो निश्चित रूप से खुलकर सामने आ रही है। जी चलो, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए। तो खबरों का सिलसिला फिलहाल बस यहीं तक, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर।